लोकोमोशन का मतलब ये होता है कि वॉर्म लाइक, जैसे कीड़ा चलता है ना अपने बॉडी को, एक बार आगे बढ़ाएगा फिर पीछे करेगा, एक बार अपने बॉडी को एक्सटेंड करेगा फिर उसको रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स फिर आगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस टाइप के मोशन को वॉर्म लाइक मोशन को हम क्या बोलते हैं, रिगलिंग लोकोमोशन। तो कुछ एक ऐसे भी करते हैं, कुछ एक लोकोमोशन बाय मुक्यूलेट प्रोपुशन, इसका मतलब होते हैं जैसे कि कुछ एक ऐसे रोल करके चलते हैं, रोलिंग मोशन, रोल करते हुए एक्सक्रीशन में एक केमिकल सा रिलीज कर देंगे, उस केमिकल के साथ वो क्या करेंगे ऐसे रोल करते हुए चलेंगे, इस तरह से लोकोमोशन को क्या बोलते हैं, लोकोमोशन बाय मुक्यूलेट प्रोपुशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा के अंदर न्यूट्रिशन की, इसकी न्यूट्रिशन की, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो अलग अलग टाइप्स का मिलता है, कितने टाइप्स का, डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल होलोजोइक न्यूट्रिशन भी मिलता है। होलोजोइक का मतलब होता है कि भाई ये किसी का बना बनाया फूड भी खा सकते हैं, पहले फूड पे एक्ट करेंगे, एंजाइम रिलीज करेंगे, फूड को तोड़ेंगे, फिर तोड़ने के बाद उसको डाइजेस्ट करेंगे। फोटो ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, फोटो ऑटोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि ये अपना फूड खुद बना सकते हैं, सेल्फ मेड फूड, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड रहने, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। कुछ एक प्रोटीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर सैप्रोबिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, सैप्रोबिक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि सलीगड़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको खाते हैं, ठीक है। कुछ एक ऐसे होते हैं पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक मतलब किसी लिविंग बॉडी के अंदर रहकर, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहकर उसका उससे फूड लेना, उसे क्या बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। कुछ एक ऐसे होते हैं मिक्सोट्रोपिक, मिक्सोट्रोपिक का मतलब होता है कि दोनों टाइप के ही न्यूट्रिशन होना, फोटोट्रोपिक भी और हेटरोट्रोपिक भी, हेटरोट्रोपिक भी और फोटोट्रोपिक भी, या फिर ये कह सकते हैं ऑटोट्रोपिक भी, मतलब ये अपना फूड खुद भी बना सकते हैं और ना बनाए तो दूसरे का फूड भी ले सकते हैं। तो इस टाइप का जो न्यूट्रिशन मिलेगा, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो जाता है युग्लिना, युग्लिना का एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन मिलता है, मतलब वो अपना फूड खुद भी बना सकता है और औरों पर भी डिपेंड रह सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा है रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट, कौन सा है, रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट।